नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। इंदौर जिले की सांवेर तहसील में राजपूत समाज ने जैसे दहेज प्रथा को खत्म करने का मन बना लिया है, जहां एक सप्ताह में बिना दहेज का दूसरा विवाह संपन्न हुआ है। सांवेर तहसील के ग्राम सोल सिंधा के रहने वाले काश्तकार किसान कमल सिंह पवार व लाखन सिंह पवार ने अपनी बेटी की शादी की तो देवास के बारोड़ पिपलिया के रहने वाले उनके समधी शेर सिंह पवार ने दहेज लेने से इनकार कर दिया, जहां कमल सिंह व लाखन सिंह ने प्रण लिया कि हम दहेज नहीं दे रहे हैं तो भविष्य में परिवार के लड़कों की शादी में भी हम दहेज नहीं लेंगे। ऐसी प्रेरणा के साथ दहेज प्रथा के खिलाफ सांवेर तहसील में बिगुल बज चुका है। इस दौरान कमल सिंह ने कहा कि बेटी रानू कुंवर और कुलदीप सिंह के विवाह की बात के दौरान उन्होंने शादी के समय 11 लाख नगद व कुछ ज्वेलरी व अन्य सामग्री दहेज में देने का प्रस्ताव रखा, तो बारोड़ पिपलिया देवास के रहने वाले उनके समधी जी ने सब कुछ लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और बोले कि हम सिर्फ लक्ष्मी रूपी कन्या आपके घर से ले जाएंगे। वहीं भावुक होते हुए कमल सिंह ने भी रिश्ते को मंजूरी दी और दोनों परिवारों ने दहेज प्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी। वहीं बिना दहेज के इस विवाह समारोह में कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए गए। आयोजन में दहेज प्रथा के खिलाफ जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए, जिसमें सभी से दहेज न लेने की गुजारिश की गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने दोनों समधियों को सम्मानित किया। आयोजन में मुख्य रूप से कमल सिंह पवार व उनके समधी शेर सिंह पवार को समाज के इंदौर जिला अध्यक्ष दुले सिंह राठौर, सांवेर तहसील अध्यक्ष धन सिंह तंवर, देवास जिला अध्यक्ष कल्पना सिंह तंवर व अन्य लोगों ने सम्मानित किया। इस दौरान मौके पर कमल सिंह सोलंकी, लाखन चौधरी, कृष्णपाल सिंह चौधरी, जगदीश सिंह कच्छावा, दिलीप सिंह कच्छावा, महेंद्र सिंह कच्छावा, धर्मेंद्र सिंह कच्छावा, नरेंद्र सिंह पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। ये समाज के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। हमने तो दहेज लेने का उनको बोला, बाकी उन्होंने सब इनकार कर दिया कि हमको दहेज नहीं चाहिए। और समाज में ये काम होना भी चाहिए कि ये दहेज रूपी रावण हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो कोई भी समाज का जन परेशान ना हो इस चीज़ से। और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और समाज जन से ये अपील करना चाहते हैं कि सभी इसी पहल को आगे बढ़ाएं और हम खुद भी इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। मतलब राजपूत जो समाज है, आपका समाज है, इसमें लंबे समय से दहेज प्रथा है और अब आप दहेज नहीं ले रहे हैं। इस तरह से एक शादी पहले भी हो चुकी है, कई शादियाँ, और आप भी इस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से लेते हैं आप इस चीज़ को समाज में, क्योंकि बड़े बुजुर्ग की एक प्रथा बनी हुई है ये। इसी चीज़ का मैं अपने समझी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो पहल चलाई है, इसको हम आगे और पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहेंगे और अब ये दहेज प्रथा हमेशा के लिए बंद करेंगे। अभी आपकी लड़की की शादी है, भविष्य में आपके परिवार के यहाँ लड़कों की भी शादी होगी जी, तो क्या इस पहल को आप आगे बढ़ाएंगे? जी जरूर बढ़ाएंगे, ये पहल हमेशा चलती रहेगी, हम लड़कों के भी दहेज नहीं लाएंगे। क्या नाम है आपकी गुड़िया का? क्या नाम है? रानू कुमार। और जमाई साहब का आपके? उनके कुलदीप सिंह। कहाँ से आएगी बारात? बारोड़ पिपले देवास से। आपके समधी जी का क्या नाम है? शेर सिंह जी पवार। आपका नाम बोल दीजिए। कमल सिंह पवार। किस तरह से देखते हैं आप इसको? जो सर्व समाज है राजपूत समाज, उसमें बहुत सारे पंत बने हुए, हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तरफ से हैं, तो हम पूरी समाज को, सर्व समाज को, जो राजपूत समाज है उसमें जो ये दहेज प्रथा है इसको बंद करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। उसमें थोड़े समय बाद, तकरीबन दो महीने के बाद हम इसका एक वो बायलाज बनाएंगे। हाँ, कुछ बनाना विचार है, जो जिले से कार्रवाई होगी और वो हमको वहाँ से बताएंगे, वो कार्य करेंगे हम। पर अभी फिलहाल हमारे दाई जी साहब ने, ये लाखन सिंह जी और कमल सिंह जी, इनके जो समधी जी है देवास बारोड़ पिपियाल है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और उससे हमारी सर्व समाज को सराहना मिलती है। और एक उदाहरण भी है ये कि इस प्रकार दहेज को बंद किया जाए और जो अभियान चला रही है पूरी समाज, उसमें सराहनीय कदम है ये, उसके लिए हम सब इनका धन्यवाद अदा करते हैं और सर्व समाज इनको सम्मानित करेगी, मंच पे ले जाएंगे। और हमारा हर वर्ष महाराणा प्रताप की जो रैली या कार्यक्रम रखते हैं उस समय भी हम इनको सम्मानित करेंगे। अच्छा, बात देखने में आता है कि दहेज को लेकर कई जगह विवाह टूट जाते हैं, लड़कियों आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, कई जगह जान चली जाती है महिलाओं की, बच्चियों की,
तो आप एक समाज के पदाधिकारी हैं, किस तरह से देखते हैं और इस प्रथा को आगे बढ़ाने में किस तरह से सहायता मिलेगी उन लोगों को? हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो लालची है या कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, वो किसी भी लड़की को अपनी बच्ची की तरह अपनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि उस लालच में लुप्त हो जाते हैं पैसे के या दहेज के। उस कारणवश हमारी बच्चियों के साथ जो कुकर्म किए जाते हैं या कुछ गलत किया जाता है, उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यह दहेज प्रथा बंद करनी चाहिए और होनी चाहिए। यह ज़रूरी है, जो राजपूत समाज पे एक दंश की तरह है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, और जो पुराने लोगों ने किया था, यह सिर्फ जो भी प्रथा थी बाकी गलत थी, इसको रोकने के लिए जो सर्व समाज राजपूत समाज जो कदम उठा रही है, और उसमें हमारे कमल सिंह जी, लाखन सिंह जी ने जो मदद की है, उसकी हम सराहना करते हैं। और जो हमारी बच्चियों को इस कुप्रथा से दिक्कतें हो रही है और तकलीफें हो रही है, उससे निजात दिलाने के लिए हम ये पहल कर रहे हैं और कदम उठा रहे हैं। आपका परिचय? धन सिंह तंवर, बालोदा टाकून, तहसील सांवेर का अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।